नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रामनवमी पर। अयोध्या में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब, रामलला के दर्शन के लिए लगा भक्तों का जमावड़ा। रामनवमी पर अयोध्या में की गई है कई सारी विशेष तैयारियां। अयोध्या में राम जन्म उत्सव में भव्य तैयारियां की गई है। इस बार राम जन्म उत्सव का जो कार्यक्रम है उसका सीधा प्रसारण होगा। सीएम योगी के निर्देश पर राम जन्मोत्सव का सीधा प्रसारण किया जाएगा। तो अयोध्या में इसको लेकर तमाम जो भीड़ है वो उमड़ी हुई है और इसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। इस बार जन्मोत्सव बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा, इसको लेकर खास तैयारियां भी की गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर खास निर्देश जारी किए हैं और आपको बता दें कि भक्तों का सैलाब भी अयोध्या में उमड़ा हुआ है। अयोध्या में इस बार भव्य राम नवमी का कार्यक्रम होगा और इसको लेकर जो भक्त हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। तमाम भक्त राम नवमी के मौके पर अयोध्या पहुंच गए हैं और आपको बता दें कि राम नवमी के साक्षी बनने के लिए तमाम जो भक्त हैं उनकी भीड़ अयोध्या पहुंचना शुरू हो गई है और भक्त चाहते हैं कि राम नवमी के मौके पर अयोध्या में रहें और खुद उस पल के साक्षी हो जब अयोध्या में राम नवमी की धूम नजर आएगी। आपको बता दें कि रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि से जन्मोत्सव कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। ये कार्यक्रम आपको बता रहे हैं अयोध्या में राम नवमी को लेकर खास कार्यक्रम किया गया है। 20 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया जा रहा है और उसको लेकर इंतजाम बहुत ही व्यापक किए गए हैं। करीब 5000 मंदिरों में राम जन्म का उत्सव मनाया जाएगा। अयोध्या में इस बार की राम नवमी भव्य होगी। रामलला के सामने जलेगी 11 फुट लंबी अगरबत्ती। तो ये सभी वो इंतजाम है जो अयोध्या में किए गए हैं। दर्शन के लिए बढ़ाया गया है समय। अयोध्या में इस बार की रामनवमी बहुत ही खास होने वाली है और उसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। 2 साल बाद होगा मेले का आयोजन। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से लगातार जो रामनवमी का उत्सव है वो फीका पड़ा हुआ था, लेकिन अब उसमें जो है रौनक अब नजर आएगी। श्री राम जन्मभूमि से सीधा जन्मोत्सव कार्यक्रम का प्रसारण होगा और इसको लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि 20 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। करीब 5000 मंदिरों में राम जन्म का उत्सव मनाया जाएगा और इसको लेकर भव्य तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। बहुत ही सुंदर अयोध्या को सजाया गया है। अयोध्या में व्यापक तैयारियां की गई हैं और भक्तों का आना भी लगातार जो है जारी है। और अब हमारे साथ अयोध्या से हमारे एसोसिएट एडिटर विजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। इसके अलावा प्रिया राणा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं कालिका मंदिर से। दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले ब्रिजेश का रुख करेंगे जो कि अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, अयोध्या में आप मौजूद हैं, किस तरह के वहाँ पर इंतजाम किए हैं रामनवमी को भव्य बनाने के लिए? बिल्कुल आकांक्षा, देखिए कहते हैं अयोध्या के कणकण में राम बसते हैं, अयोध्या के जर्रे जर्रे में राम का एहसास होता है। तो आज तो अयोध्या में राम का अवतरण होने जा रहा है। आपको जरा सा दिखाऊं कि किस तरीके से जन्म से पहले जो जो पूजा पाठ है, जो रामचरित मानस का पाठ है वो चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अयोध्या के एक एक मंदिर को इस तरीके से सजाया गया है कि मानो वहां पर कोई जो है बारात आने वाली हो, कोई जश्न होने वाला हो। तो दरअसल पूरा जश्न का माहौल आपको पूरे अयोध्या के इन मंदिरों में दिखाई देगा। आप देखिए रामचरितमानस का पाठ लगातार किया जा रहा है, यानी जन्म से पहले तक जो है प्रभु राम के जीवन चरित्र और उनकी मर्यादा जो उनके पाठ है उसका पाठन यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मैं जरा वो तस्वीर दिखाऊं कि किस तरीके से सजाया गया है इस पूरे जो है मंदिरों को। 5000 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जहां पर राम जन्म का भव्य उत्सव मनाया जाएगा। भव्यतम तरीके से यहां पर तैयारियां की गई हैं। और ये देखिए राम बल्लभ मंदिर है, राम बल्लभ मंदिर में अब यहां पर अभी अंदर भोग चढ़ाया जा रहा है प्रभु को। भोग के लिए यहां पर फिलहाल
बंद किया गया है और जैसे ही भोग लगेगा, भोग लगने के बाद जो है ये पट खुलेगा, तब हम आपको जो है प्रभु राम और माता जानकी के दिव्य दर्शन भी कराएंगे। ये आप देखिए किस तरीके से, कितने खूबसूरत तरीके से फूलों से सजाया गया है ये अपने आप में। और ये केवल एक मंदिर की बात नहीं, इस समय अयोध्या का एक एक मंदिर इसी तरीके से फूलों से, आप देखिए महकदार फूलों से, जरा इनकी सुंदरता देखिए, जो सजावट देखिए, ये अपने आप में अद्वितीय है, अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब प्रभु का आगमन हो, आप देखिए ये हम आपको न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव दर्शन करा रहे हैं, राम बल्लभ मंदिर से प्रभु राम माता जानकी के वो दिव्य दर्शन आप कीजिए। ये अपने आप में एक बेहद ही विलक्षण और अद्भुत क्षण होता है। मैच कुछ देर बाद ठीक 12 बजे, जैसे घड़ी की सुइयां 12 बजे में पहुंचेंगी, वैसे प्रभु जन्म लेंगे, वैसे प्रभु का आगमन होगा। और आगमन के बाद जो बधाइयां गाई जाती हैं, जो जश्न मनाया जाता है, वो फिर चाहे ढोल हो, मंजीरा हो, थालियां बजाने की रवायत है, कहते हैं थाली बजा करके जब बेटा होता है तो थाली बजाया जाता है। तो चूंकि प्रभु राम आ रहे हैं और प्रभु राम का जब आगमन होगा तो वो खुशी, वो उत्सुकता, वो अपने आप में जो है जो जश्न का माहौल है वो अयोध्या में दिखाई दे रहा है। कल से ही अयोध्या पूरी तरीके से राममय है, एक एक मंदिर आपको सजाए गए हैं। यहाँ का यहाँ देखिए, यहाँ पर हम आपको ये जो पूरी तस्वीर दिखा रहा है, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप किस तरह, कितना खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है। प्रभु राम और माता जानकी की जो मूर्ति है वो मन को मोह लेने वाली मूर्ति है। तो ये अपने आप में बेहद अहम है। आप लोग एक चीज ये बताइए, क्या कुछ इधर आइए, इधर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं प्रभु राम के आगमन को लेकर? देखिए आप लोग देख भी रहे हैं कि राम के आगमन पे कितना सजावट हुआ है, सब ये सामान बहुत देख रहे हैं ना, ये सब दिल्ली से आया हुआ है, पुष्प वगैरह है यहाँ पर। तो आज कितना बड़ा खुशी का मौका है, प्रभु राम आने वाले, इतना हर्ष है कि उसके बारे में तो कुछ कहना भी संभव नहीं है। आप लोग एक चीज ये बताइए, ये कहते हैं किस तरह से भव्य तैयारियां की गई है यहाँ पर प्रभु राम के आगमन को लेकर? देखिए हमारे जीवन का, हम संपूर्ण भक्तों के अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का जो प्राकट्य हुआ है मेरे लिए अद्भुत पल है। और जब परम परमात्मा मेरे लिए जब आता है तो एक बालक का जब जन्म उत्सव मनाते हैं तो सोचिए कितनी खुशी होती है। और जो सभी का जगत दाता है उसका जन्मोत्सव मनाने में हम लोगों को कितनी खुशी हो गई। इसलिए ठाकुर जी के सामने जितना भी है सब कुछ समर्पित करना चाहिए। अभी तो सारे देवता लोग आ रहे हैं, पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं, सभी मनुष्य आ रहे हैं, देखिए बधाई गान हो रहा है, प्रभु के जय जय सुरनायक हो रहा। अभी तो जोग लगन ग्रह बार इतना तो आ गया, तिथि हो गई, अभी तो शब्द भय अनुकूल, तो प्रकृति भी अपने अनुरूप में आ चुकी है। इसलिए राघव के स्वागत के लिए दैव लोक से देवता भी आ रहे हैं, मानव भी आ रहे हैं, समस्त संपूर्ण भारतवासी भी आ रहे हैं, अभी तो विश्व हमारे ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ भक्त आए हैं राम जी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए। तो ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ? 12 बजे, क्योंकि राम जी हमारे राघव हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो भगवान जो हो सास जो समर्थ ईश्वर हैं उनका प्राकट्य हो रहा है। तो हमारे लिए तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, जो दीनों के दयाल हैं, ऐसे परमात्मा का प्राकट्य हो रहा है, तो हम लोग तो इतना अद्भुत हैं। और भी आज की तैयारी नहीं है, महीनों से नहीं सालों से हम लोग प्लान करते हैं कि ठाकुर जी के जन्मोत्सव में एक एक गुब्बारे पुष्प गुच्छ कहाँ लगाएंगे, कहाँ कैसे सेटिंग होगी, राघव जी का एक एक कुंडल कहाँ कहाँ से मंगवाया जाता है। हमारे सारे भक्त हैं आश्रम के, एक एक कुंडल ठाकुर जी के लिए लाते हैं, किशोरी जी के लिए वस्त्र लाते हैं कि कौन सा किस दिन पहनाया जाए। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पीले वस्त्रों में जो है सबको, सजावट भी पीले वस्त्रों की है, और राम जी को भी और माता जानकी को भी पीले वस्त्र पहनाए गए। उसके पीछे कोई खास वजह? ठाकुर जी को अलंकार बहुत प्रिय है और उसमें भी पीताम्बर श्वेताम्बर, तो ठाकुर जी हमारे पीताम्बर में भी आते हैं, आज श्वेताम्बर भी आते हैं, या पीताम्बर परिधान हम लोगों का सर्व उत्कृष्ट माना गया है, सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए हमारे भगवान का आज कोई भी हम उत्सव मनाते हैं, राम जी का जन्म हो, घर में कोई उत्सव हो, तो पीला ही वस्त्र अनिवार्य है। इसलिए हम अपने भाव भरे पुष्पों से ठाकुर जी को वो उस परिधान से सजाते हैं जो पीताम्बर की तरह होता है। इसलिए हमारे सबसे बड़ी बात ये है कि त्रेता में जब भगवान राम जो है राजा दशरथ के यहाँ आए, उस वक्त चूंकि उनके कोई पुत्र नहीं था,
सबसे बड़े पुत्र प्रभु राम आए, तो वो जो खुशियां थी वो अद्वितीय थी। कुछ उसी तरह की खुशियां यहाँ पर श्रद्धालुओं के मन में, भक्तों के मन में भी देखने को मिल रही है। एकदम निश्चित बात है, नित्य नवीन हम ठाकुर जी के लिए हमेशा वही ये त्रेता हो। देखिए भगवान के कहते हैं कि रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि भगवान के एक एक रोम रोम एक छिद्र छिद्र में करोड़ों ब्रह्मांड है, तो करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों ब्रह्मा होंगे, करोड़ों विष्णु होंगे, तो करोड़ों की परिकल्पना होगी। और हो सकता है इस करोड़ ब्रह्मांड में त्रेता युग आज हो, आज रामनवमी हो और राम जन्मोत्सव आज हो, इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि त्रेता युग के वही श्री राम जी का राम जी का जन्मोत्सव वास्तव में उस युग की परिकल्पना नहीं अपितु त्रेता युग ही मान करके हम लोग आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। यूं तो आस्था के आगे व्यवस्था की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं समय के साथ अयोध्या भी बदल रही है, व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं, तो क्या वो और ज्यादा श्रद्धालुओं के मन में आस्था जगा रही है? ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात यह है कि हमारे जो देश का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है वो गौरवमान एक महात्मा कर रहा है, एक कर्मयोगी भी कर रहा है, एक धर्मयोगी भी कर रहा है। और देखिए लोग जो भी जहाँ जैसे जो सोचते हों, मैं तो ये जानता हूँ एक सामाजिक व्यक्ति अपने परिवार को कितना टाइम दे रहा है, तो जो शीर्ष नेतृत्व कर रहा है वो अपने परिवार को क्या, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की जिसकी परिकल्पना हो वो हमारे देश को संचालित कर रहा है। हमारी वाराणसी को आपने देखा, अयोध्या को देखा, अब हम मथुरा में आनंद करेंगे। मतलब आज ये तो छोटी जिस तो केवल शुरुआत है, वो तो कहते हैं अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ठाकुर जी का वो ये दरबार ये यहाँ ही नहीं, अभी तो पूरे हमारे भारतवर्ष में सजाया जाएगा, इसी तरह हम उत्सव मनाएंगे। बिल्कुल, तो आप देखिए ये उत्साह आपको समझ में आएगा, संतों में उत्साह है, यहाँ के श्रद्धालु जो देश दुनिया से, अभी बता रहे थे महाराज जी कि ऑस्ट्रेलिया से भी यहाँ पर आए हैं, तो देश दुनिया से यहाँ पर श्रद्धालु आए। आप लोग कहाँ से आए हैं? जयपुर से, राजस्थान। जयपुर से जी हाँ। आज प्रभु राम आने वाले हैं, कितना बड़ा मौका है ये, जीवन का अभूतपूर्व क्या नाम से उपलक्ष्य है, उत्सव है जिसके अंदर हम सम्मिलित हुए हैं, जिसे हमको अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग उदयपुर राजस्थान से आए हैं। हाँ जी, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? एक अपने जीवन को सफल बनाने वाले क्षण में हम उपस्थित हुए हैं। राम जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर श्री राम अयोध्या में आने का बहुत कम लोगों को ही सौभाग्य मिलता है। हम उदयपुर से इतनी दूर से इसी कारण से आ पाए, और हनुमानगढ़ी के परमिशन के बिना यहाँ कोई अब नहीं आता। माता जी कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा, मध्य प्रदेश से आए हम, मंदसौर से, बहुत अच्छा लग रहा, भगवान बहुत झांकी बहुत प्यारी लग रही है। आप राम नामी ओढ़े हैं, मन में राम और तन में राम, बहुत अच्छा लग, सब जगह राम ही राम, सब जगह राम ही राम है। आपसे कुछ देर बाद प्रभु का प्राकट्य होने वाला है, प्रभु आने वाले हैं, कितनी बड़ी खुशियां। कहते हैं जब घर में लाल आता है तो हर कोई जो है खुशियां मनाता है, अपने तो प्रभु आने वाले हैं। बहुत खुशी है, बहुत वो है कि भगवान जी आज प्रकट हो रहे हैं और वो हम लोग की धरती पे आज आ रहे हैं प्रभु जी, उसे हम लोगों को बहुत आली आली बजाने की तैयारी में। मतलब अभी हम देख रहे हैं जैसे कि भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और भव्य तैयारियां भी अयोध्या में देखने को मिल रही हैं, तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। आपका दोबारा रुख करेंगे, प्रिया भी लगातार हमारे साथ कालका मंदिर से जुड़ी हुई है, प्रिया का रुख करेंगे। प्रिया आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आप कालका मंदिर में मौजूद हैं, आप वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, कितनी भक्ति नजर आ रही है वहां पर? जी आकांक्षा, बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कालका मंदिर की तो लगातार भक्तों का यहाँ तांता सुबह से ही लगा हुआ है, भक्तगण आ रहे हैं दर्शनों के लिए, क्योंकि अगर हम बात करें तो भक्त जो है कोरोना में वंचित चल रहे थे दर्शनों से, तो वहीं अब की बार जो नवरात्रों की धूम है वो मंदिरों में देखी जा रही है। अभी कालका जी मंदिर में हम हैं, महंत जी हमारे साथ हैं, इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं। सर, किस तरीके की तैयारियाँ आपने अब की बार की हैं? देखिए इस बार क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद कोविड में थोड़ी छूट मिली, तो भक्तों की भारी भीड़ जो है कालका पीठ में जुट रही है। और जैसा कि आपको बताया, कालका पीठ में इस अवसर पर जो है नवरात्र में चंडी यज्ञ का आयोजन किया जाता है, भक्तों के लिए भंडारे के प्रसाद की व्यवस्था, जो आज बहुत ही शुभ दिन है। एक और जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ उनके लिए है कि नवमी तिथि मधुमास पुनीसा शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, जही दिन राम जन्म सुति गावें तीरथ सकल सहां चली आवें। तो एक तरफ जहाँ भगवान श्री राम के जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आज अनुष्ठान के संपूर्णता का दिवस है। आज के दिन भगवती सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। भगवती सिद्धिदात्री साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप है, वो कमल के आसन पर विराजमान है, उनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म उन्होंने धारण किया हुआ है, उनका
ध्यान करते हुए उनका पूजन करने से भगवती अष्टसिद्धि और नौनिधियाँ प्रदान करती हैं। अनिमा गरिमा लघिमा अशित वसित प्राप्ति प्रकाम में और नौ प्रकार सारी संपत्तियां जो भगवती प्रदान करती है उनका श्री सूक्त से अथवा ललिता सहस्र नाम से केसर से रंजित अक्षत अर्पण करने से अथवा कमल के पुष्प अर्पण करने से भगवती जो है सांसारिक ऐश्वर्य प्रदान करती हैं और सुख संपत्ति प्रदान करती हैं। सर एक बार चलिए चलिए प्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो रामनवमी पर भी जो भक्तों का है जमावड़ा लगा हुआ है और आज नौवां दिन है और इस मौके पर तमाम भक्त जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं। ब्रिजेश जी भी हमारे साथ लगातार अयोध्या से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर ब्रिजेश जी का रुख करेंगे। ब्रिजेश जी, जैसे कि आपने दिखाया कि बहुत ज़्यादा भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अब रामनवमी का जो है कार्यक्रम उसका सभी साक्षी बनना चाहते हैं। तमाम लोगों से आपने बातचीत की और एक बार लोगों से और बातचीत करिए और जानिए कि आखिर लोगों ने इसको लेकर कितनी तैयारियां पहले से की थी और अब वो वहां पे पहुंचे हैं तो उनको कैसा महसूस हो रहा है। बिल्कुल, देखिए कहते हैं कि जब लाल का आगमन होता है, जब मालूम हो कि घर में किलकारी गूंजने वाली है, तो आप सोचिए कि उस घर की कल्पना कीजिए कि उस घर में किस तरह का खुशी और उत्साह होता है। और जब प्रभु का आगमन हो तब फिर और क्या कहना। आप देखिए, आप पहले एक बार मैं आपको दर्शन कराता हूँ, फिर यहाँ लोगों से बात कराता हूँ कि प्रभु के जैसे ही पट खुलते हैं, दर्शन होते हैं, लोग आत्मुग्ध हो जाते हैं और वो आत्मुग्धता की स्थिति प्रभु को देख करके उनको अपनी आंखों में बसा लेने की जो ललक है वो श्रद्धालुओं में दिखाई देती है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु। माता जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी रुंगटा। कहाँ से आई हैं? कुशीनगर। आंखों में कुछ आंसू दिखाई दे रहे हैं। आज प्रभु की असीम कृपा मेरे इष्ट देव की है जो मुझे अपने राम लला के जन्म उत्सव पर बुला कर कृतार्थ किया है। प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना मेरे ऊपर हमेशा। प्रभु बहुत उत्सव का आनंद मुझे मिल रहा है, मेरे बहुत दिल बहुत खुश है, बहुत खुश है। ऐसा महसूस हो रहा है अयोध्या आकर के राम लला का साक्षी। बहुत अच्छा होने लग रहा है मुझे, मैं वर्णन नहीं कर सकती इस उत्सव के आनंद का, मैं वर्णन नहीं कर सकती। प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना मुझ राशि पर। प्रभु मैं देख रहा था आप लगातार रामचरितमानस का पाठ कर रही है जो है, तो प्रभु के आने से पहले वो घड़ी होगी ठीक 12 बजे जब प्रभु का आगमन होगा तो कितना महत्वपूर्ण होगा। बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस जश्न मनाएंगे? जी हाँ जरूर, जो से कराएंगे वो मैं जरूर करूंगी। आप कहाँ से आए हैं? अभी यहीं से है, श्री राम बल्लभ को जी। सीताराम का बैग सारा कुछ, आज प्रभु का आगमन हो रहा, कितना बड़ा दिन है, कितना बड़ा समय है। बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही सुंदर दिन है कि आज हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव महा उत्सव होने वाला है। अभी प्रकट उत्सव 12 बजे होगा यहाँ पे। देखिए आकांक्षा, मैं आपको कुछ दिखाऊं, जरा तैयारियां भी दिखाऊं कि यहाँ पर किस तरीके से ये पुष्प, आपको पुष्प का पूरा जो है यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं, यानी जैसे प्रभु का आगमन होगा तो ये पुष्प वर्षा किया जाएगा, तो वो पूरी तैयारी। आचार्य राघव से एक बार फिर बात करते हैं जो है। ये पुष्प आप दिखाई दे रहे हैं, ये सब जन्म उत्सव के लिए है? ये जन्म उत्सव के लिए है और क्योंकि अयोध्या में पुष्प की आवश्यकताएं ज्यादा बढ़ गई हैं और लखनऊ से भी नहीं मिल रहा था, तो ये पुष्प की व्यवस्था सारी दिल्ली से मंगाई गई है। हमारे आदरणीय बाबूजी आश्रम के एक अभिन्न सदस्य महाराज श्री के लाडले, मेरे गुरुदेव भगवान के शिष्य हैं, उन्होंने पूरी व्यवस्था बना करके पूरी दिल्ली से सारी और हर स्टेट से, कुछ पंजाब से पुष्प मंगवाए, हर जगह से एक एक पुष्प को चुन करके पहले से सिलेक्शन करके कौन सा पुष्प कहाँ सजेगा ये सारा प्लान किया कि ठाकुर जी के जन्मोत्सव में सारा लगाने, बाहर भी सज रहे हैं, हर लोग रहे, आज तीन दिन से सजावट। आजकल शादियों में वेडिंग प्लानर होते हैं, अब कोई अगर बरहों होता है उसके लिए प्लानर होता है, क्या आप लोग भी कोई प्लानर डिजाइन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्लानर डिजाइन करते हैं, बरहों वगैरह तो हम लोगों के लिए कोई बात नहीं, हमारे लिए जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का जन्म उत्सव है उससे बढ़कर के कोई उत्सव है ही नहीं जीवन में, क्योंकि राम हमारे हृदय में है। रामात किंचन न विद्यते तस्माद राम स्वरूपम ही सत्यम सत्य जम जगत, जिनका नाम ही सत्यजानंद है, जो आनंद को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे आनंद सिंधु का जब जन्म उत्सव होगा तो सोचिए हमारे हम सब लोगों की आनंद की कितनी परिकल्पना होगी, आनंद का कोई पारावार ही नहीं है। हमारे पटना से भी आए हैं बहुत सारे लोग, आदरणीय संजय श्री मिश्र जी हैं। कहाँ से आए हैं? जय श्री राम। जय श्री राम।
कहाँ से आए? पटना से आया भैया। आज रामनवमी है, आज प्रभु राम का आगमन हो रहा है, ये मौका अपने आप में अद्भुत है, विलक्षण है। कितना सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप लोग यहाँ पर हैं? ये राम भक्तों के लिए परम आनंद परम सुख का दिन है। जितने भी भक्त आए हैं भगवान रामलला के जन्मोत्सव के ये में, वो सभी अपने को धन्य मान रहे हैं। ये नगरी धन्य है, ये धरा धन्य है जिसपे हम लोगों का जन्म हुआ है, और हम लोग बड़े भागी हैं जो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। आज हमको जन्मोत्सव की कुछ तैयारियां किया है आप लोगों ने? बहुत सारी तैयारियां हैं, कुछ इधर और इनसे भी जानते हैं। क्या तैयारी नहीं दिख रही है आपको? अब इससे भव्य तैयारी क्या होगी? बल्लभा कुंज का जन्मोत्सव सबसे अनोखा जन्मोत्सव, इतना बड़ा मौका है, कितना सौभाग्य। बहुत, दो साल हम लोग का लाइफ से निकाल दिया जाए, दो साल नहीं मिला जन्मोत्सव, निकाल दिया जाए। कोरोना काल में नहीं आ पाई तो दुखी जी, आज जी जी हाँ जी जी एकदम दिल खोल करके आप देखो। आप एक मिनट बेटा, ये आप प्रभु जी को लेकर के यहाँ पर आई है जो है, ये क्या इसमें किसको विराजा है आपने? लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल को यहाँ विराजा है, क्यों लाई है इन्हें यहाँ पर? हम जहाँ तीर्थ यात्रा पे जाते हैं लड्डू गोपाल को संग ले जाते हैं। लड्डू गोपाल को साथ में लेके जाती है। कहाँ से आई हैं आप? हम जिला हरदोई से। जी, हरदोई से जो है। अच्छा, प्रभु राम आने वाले हैं, लड्डू गोपाल को आप साथ लेकर के आई हैं, कितना बड़ा मौका है। उनके दर्शन करवाने के लिए लाई हूँ, खुद दर्शन करने आई हूँ। खुद दर्शन करने आई हूँ, लड्डू गोपाल को भी दर्शन कराने आई है। यस, आप देखिए आकांक्षा, ये है भक्ति और आस्था की पराकाष्ठा। कहते जी, तस्वीरें कई तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं। कई बार लोग जो हैं भावुक होते नजर आ रहे हैं भक्ति में, कई बार लोग भक्ति में एकदम लीन होकर खुश होते नजर आ रहे हैं। तमाम तरह की अलग अलग तस्वीरें अयोध्या से देखने के मौके को मिल रही है। ब्रजेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राम जन्मभूमि पर आपने देखा कि किस तरह से उत्सव का माहौल है, किस तरह से भव्य तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।